नमस्कार, मैं सबका साईवाणी में स्वागत करता हूं। सबका मालिक एक और श्रद्धा और सब्र के माध्यम से हमने प्रयास शुरू किया और साईं बाबा के आशीर्वाद से पूरे विश्व में सभी लोगों से जुड़ते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही। साई ध्यान, साई क्रिया, साई मेडिटेशन और इसी विचारों के अंतर हमने भारत के बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क किया और जब संपर्क किया तो लोग जुड़े और जुड़ते अकेला चला था, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। ध्यान और मेडिटेशन के साथ साई वाणी से माध्यम से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में क्रांति की और आध्यात्मिकता के तौर के ऊपर के साथ साथ उन्होंने अपने जीवन में व्यक्तिशाह लेवल पर और अपने निजी जीवन पर भी उन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए। किसी का जीवन बदलना ये हमारा कर्तव्य तो है, लेकिन बाबा का आशीर्वाद है तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। श्रद्धा और सबूरी का नारा है तो मैं आज की पंचसूत्री में इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोग किस कार्य के लिए जुड़े हैं, सुबह उठते हैं वही काम करते हैं, रात को सो जाते हैं फिर से सुबह उठ के वही काम करते हैं और थकान महसूस करते हैं, एक दिन थक जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में जीने की जो आशा है वो किसी की नहीं कम होती। एक राजा होता है और वो उसको 100 बच्चे होते हैं। 100 साल जीने के बाद वो मरने का समय आता है, यमराज उसको लेने आते हैं। जैसे यमराज पहुँचते हैं तो यमराज उसको पूछते हैं, बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है? वो इतना ही कहना चाहता है कि मुझे और 100 साल चाहिए। यमराज कहते हैं, मैं आपको 100 साल दूंगा लेकिन आपके 100 बच्चों में से किसी एक को आज तो मेरे साथ आना पड़ेगा। राजा सोचता है कि मेरा जो सबसे बूढ़ा बेटा है वो भी अभी कम से कम 80 साल का हो चुका है, तो मैं उसको कहना चाहता हूँ, बेटा तू जा, मैं थोड़ा काम करके आता हूँ। तो 80 साल के बेटा बोलता है, पिताजी कोई बात नहीं, आप रहना चाहते हो तो रहो, मैं चला जाता हूँ। बाप के लिए बेटा चला जाता है। फिर उसको 100 साल मिलते हैं, फिर 100 साल के बाद फिर यमराज आते हैं, फिर कहते हैं कि तुझे आना पड़ेगा। बोलता है, नहीं मुझे और थोड़ा रुकना है। फिर उसका दूसरा बेटा चला जाता है, ऐसे 100 बेटे चले जाते हैं। 1000 साल का बूढ़ा होने के बावजूद भी वो राजा फिर से जीना चाहता है, लेकिन कार्य और कर्तृत्व में कुछ भी नहीं, सिर्फ जीना, खाना पीना, रहना, बच्चे पैदा करना और जीवन में कुछ भी नहीं करना। यही कार्य लेके वो राजा अपनी प्रजा की तरफ भी ध्यान नहीं देता है, सिर्फ खुद के लिए जीता है। स्वामी विवेकानंद जी को 39 ईयर्स का आयुष्य मिला। 39 सालों में उन्होंने जो जीवन में बदलाव लाया और मानवता का जो विकास हम सबके लिए किया, मानवता का धर्म जिया। बाबा ने जो भी जिंदगी जी, 1918 में बाबा अपने समाधि अवस्था में शिरडी में चले गए और उसके बाद भी वो अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और आज भी जब तक सूरज चांद है तब तक उनका नाम रहेगा, क्योंकि उन्होंने की हुई सेवा, उन्होंने दिए हुए आशीर्वाद और उन्हीं का आशीर्वाद है तो आदमी जिंदगी में जी तोड़ मेहनत करके आगे चला जाता है और अपना कार्य करता है, अपना कार्य ही जीवन कार्य मानता है। मैं इसी विषय के बारे में आप सबको कहना चाहता हूं। भगवत गीता में जो कहा है, गाथा में जो कहा है, ज्ञानेश्वर महाराज जी ने अपने जीवन में जो कहा है ज्ञानेश्वरी में, यह बात भूलने लायक नहीं। मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहता हूं, कभी मत भूलना यह मेरा विचार कि बाबा अपने जीवन में कहते हैं कि अपना जीवन का कार्य लक्ष्य तय करो और लक्ष्य तय करने के बाद जियो। ऐसे ही एक बहुत बूढ़ा इंसान लकड़ी इकट्ठा करने का काम करता था और लकड़ी इकट्ठा करते करते वो थक जाता है, बूढ़ा हो जाता है, लेकिन रोजमर्रा का जिंदगी से थक जाता है। एक दिन जंगल में बहुत थका मांदा वो आदमी परेशान होकर भगवान को कहता है, इतने सारे लोग मरते हैं, भगवान मुझे क्यों नहीं उठाता? और अचानक से उसके सामने भगवान आते और बोलते, मैं तेरी क्या सेवा करूं, बोल। उसको लगता है, मेरे प्रार्थना से इतनी जल्दी भगवान प्रसन्न कैसे हुए? वो चिंतित हो जाता है और फिर वो अपने घुटनों पे हाथ रख के खड़ा होता है, बोलता, भगवान मैं इस जंगल में अकेला हूं और इतनी बड़ी सर पे मैं लकड़ियां लेके गिर गया था, तो प्लीज मुझे मदद करिए मेरी लकड़ियां उठाने के, मेरे सर पे रखने के लिए। यही तो हम करें, हम हमारे जीवन में बोझ बन के क्यों जी रहे? साईं बाबा का आज का संदेश है, लक्ष्य तय करके समर्पित जीवन और कार्यान्वित जीवन, दिशा देके कुछ करने के लिए जीवन जियो। मुश्किल है ध्यान के बगैर, वो मुश्किल है, आप कितना भी करो, लेकिन ध्यान नहीं है, नॉलेज इज आउटसाइड एंड विजडम इज इनसाइड। नॉलेज आपको बाहर से मिलेगा, विजडम आपको अंदर से मिलेगा। कुछ कुछ कहानी बताते समय मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन कबीर महाराज जी का दोहा मैंने फिर से कहा, मैं कबीर जी का बहुत बड़ा भक्त हूं और कबीर जी कहते हैं अपने जीवन में कि दूसरों के लिए जीना और खुद के लिए जीने में फर्क है। जीवन क्या है, कैसे है और किस तरह से जीना चाहिए, इसके लिए मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि साईं बाबा का आशीर्वाद अगर आपको है तो दिशा मिलेगी, भटकोगे नहीं, आप क्रांति करोगे जीवन में।
ये क्रांति के लिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ये क्रांति कौन सी क्रांति होनी चाहिए? लक्ष्य की क्रांति होनी चाहिए, जीवन की क्रांति होनी चाहिए, अपने समाज में कुछ करने के लिए, अपने कार्य को आगे लेके जाने के लिए। हमें एक बहुत मन का विचार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा। मन के हारे हार है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरी पाइए, मन की ही मन की पराजित। क्या बात हुई? कहे कबीर हारी पाइए, मन ही की परतित। जीवन में जय पराजय केवल मन की ही भावना है। यदि मनुष्य में मन में हार गया, निराश हो गया, तो पराजय हो गया उसका। और यदि उसने मन की जीत लिया तो विजेता हो गया। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही मतलब पा सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा नहीं तो नहीं पाओगे। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। प्रारंभ करो और जारी रखो, यही तो मैंने विचार दिया। साई वाणी का गुरु मंत्र है, प्रारंभ करो और जारी रखो। बहुत सारे लोग प्रारंभ तो करते हैं लेकिन जारी नहीं रखते। कैसे पहुंच पाओगे? पहुंच ही नहीं पाओगे आप। मैं क्यों यहां अपना गला फाड़ रहा हूं आपके लिए? एक एक कार्य को लेके पूरे भारत में 108 जगह से मुझे अभी नौते आए हैं और मैं हर जगह पे जाने वाला हूं। मैं शुरुआत करने वाला हूं साई वाणी के माध्यम से, लोगों में जाके, लोगों को मिलके, लोगों की समस्या जान के उनके जीवन में बदलाव लाना। और उसमें हमारी पहली क्रांति आध्यात्मिक क्रांति है, दूसरी क्रांति अर्थ क्रांति है, तीसरी क्रांति हमारे जीवन की लक्ष्य की क्रांति है, और चौथी क्रांति शिक्षा की क्रांति है, और पांचवी और महत्वपूर्ण क्रांति हम आरोग्य की क्रांति करना चाहते हैं, हेल्थ की क्रांति करना चाहते हैं। और हेल्थ क्रांति हमारे लिए बहुत बड़ी क्रांति है। मैं सच में आस्था चैनल और बाबा रामजी को, देव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इतना बड़ा कार्य अपने जीवन में किया और पतंजलि के माध्यम से पूरे विश्व में योग और प्रचार प्रसार किया। आस्था चैनल ने उसके लिए इतना बड़ा योगदान दिया है, और हम जैसे साईं बाबा के परम भक्तों को और हमारे विचारधाराओं को यहां व्यासपीठ दिया। मैं सच में आस्था चैनल का शुक्रगुजार हूं। पूरे विश्व में आज उन्होंने आध्यात्मिक तौर पर कार्य करने के लिए जो भी विचारधारा को एक साथ किया, ये बात भूलने लायक नहीं है। भाई और बहनों, विचारधाराओं के साथ जुड़ेंगे तो कुछ कर पाएंगे। हम अड़िग रहेंगे हमारे विचारों के साथ। मैं फिर से कहना चाहता हूं, भगवत गीता में जो भी विचार दिए हैं सबको मंजूर है, लेकिन गीता आत्मसात करना बहुत मुश्किल है। दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन खुद उस तरह से जीना बहुत मुश्किल है। मैं फिर से कहूंगा, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन मैं आज याद देना चाहता हूं आप सबको, जिस तरह से आप दूसरों में बदलाव चाहते हो ना भाइयों, उस तरह से आपने पहले खुद में बदलाव लाओ। भगवान कृष्ण जी अर्जुन जी को कुरुक्षेत्र में कहा, उठ अर्जुन और चल युद्ध करने के लिए। भगवान कृष्ण खुद युद्ध कर सकते थे लेकिन अर्जुन को तैयार किया। साईं बाबा खुद जीवन को सबको शांति दे सकते हैं, पर जीना आपको ही है। जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, और जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुम खो दिया उसके लिए दुख करते हो? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यही से तो लिया, और जो दिया यही पर देना है। आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही जीवन का संसार है और नियम है। परिवर्तन होने वाला है। चंद्र सूरज जब तक है तब तक अगर कार्य करना है तो अपने को क्रांति के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा, और मैं यही बदलाव आपको देना चाहता हूं। आप अगर अपने जीवन में एक परिपूर्णता के साथ जीना चाहते हो तो संदेश आज का यह है, प्रारंभ करो और जारी रखो, प्रारंभ करो और जारी रखो। अपने सेहत के लिए, अपने मन के लिए, अपने विचारों के लिए कार्य करो और उसके ऊपर अभ्यास करो। मैं फिर से कहूंगा, ये देश ऐसा ही नहीं है। साईं बाबा ने जीवन में कहा है, वो आए और आकर चले गए। मैं फिर से कहना चाहता हूं, याद रखना मेरे चार शब्द, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, वो आए और आकर चले गए। कुछ था बिन बांटे ही बट गया। मैं फिर से कहूंगा, बाबा को कुछ था जो बिन बांटे ही बट गया, मतलब मौन रहे,
उन्होंने मौन रहे फिर भी कुछ कह गए, मौन रहे फिर भी कुछ कर गए, कह गए। कैसे कह गए? मौन की भाषा समझना बहुत जरूरी है भाई और बहन, क्योंकि आखिरी में उन्होंने दिए जलाए और अंधेरा चढ़ गया। अपने जीवन में साई वाणी से दिया जलेगा। साई वाणी में आओगे तो 5 नियमों का आज पालन करना पड़ेगा। मैं आज सबको इस भाषा में कहना चाहता हूं 5 नियम। सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है, अपने खुद पे ऊपर भरोसा करो। दूसरा मेरा नियम है, अपने प्रारंभ, जो प्रारंभ आप कर रहे हो उसको जारी रखो। ये अपना गुरु मंत्र है, प्रारंभ करो और जारी रखो। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण विचार मैं आप सबको देना चाहता हूं, खुद एक घंटा अपने लिए निकालो और उसमें साई क्रिया और साई मेडिटेशन करो। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण विचार है, कोई भी समस्या है उसके लिए कभी पीछे मत हटना, डट के खड़ा रहो उस समस्या के सामने, समस्या बखूबूक भाग जाएगी। बोलते हैं ना कि भौंकने वाले कुत्ते के सामने जब खड़ा होते हो तो कुत्ता पीछे भागता है, अगर वो कुत्ते के लिए हम उसका आवाज सुन के भागेंगे तो और जोर से हमारे पीछे भागता है। यही तो समस्या का भी है, समस्या के लिए भागोगे तो कभी उसके लिए वो नहीं डरेगी, लेकिन उसके सामने डट के खड़ा रहोगे समस्या भाग जाएगी। और पांच और आखिरी में कहता हूं, कभी जिंदगी में नाउमेद मत होना, कभी निराश मत होना, क्योंकि घनी रात के बाद सुबह हो जाती है। अंधेरा जब जब आता है तब तक सूरज भी निकलता है, घनी रात के बाद बहुत 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 अच्छी तरह से एक सूरज की किरणें आती है तो हमें जिंदगी में खुशी मिलती है। इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपको, ये बात को आप हमेशा याद रखो, बहुत प्रेरणादायी विचार है ये। और ये प्रेरणादायी विचार मैं इसलिए साईं बाबा के माध्यम से, साईं वाणी के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, उन्हीं का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो डट के खड़ा रहता है। और डट के खड़ा रहना मतलब समस्या के लिए बहुत ही अड़िगता के साथ खड़ा रहना, स्वयं की किसी और से तुलना ना करना, कभी मत करना स्वयं की किसी और से तुलना। जिस दिन तुलना करने लगोगे उस दिन बहुत दुखी हो जाओगे, बजाय स्वयं की स्वयं से तुलना करना कि खुद को बेहतर बनाने के लिए ध्यान लगाना। सोचो अपने बारे में भाई और बहनों, एक राजा था, मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा। वो राजा पक्षियों का बहुत प्यारा था, उसको बहुत पक्षी पसंद थे, अलग अलग पंछी उसके राज्य में आते थे और उसके राज्यों के बहुत अच्छे खूबसूरत पंछी जब उसको उड़ते थे तो उनका ख्याल करता था, उनको अलग अलग जगह पे वो पानी रखता था, खाना रखता था और पंछियों के लिए बहुत खुश होता था। एक दिन एक उस राज्य में बहुत अलग पंछी आता है, बहुत बड़ा उसके पंख होते हैं, पाँव उसके बड़े होते हैं, उसकी चोंच बड़ी होती है, और फिर वो पंछी को देख के राजा को बहुत बुरा लगता है कि देखो ना इसके कैसे गंदे पाँव है, कितने बड़े बड़े पंख है, वो तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं लग रहा था। तो फिर राजा उसको बोलता है, अपने सिपाहियों को जाओ उसको पकड़। ओम साईराम, प्रारंभ करो जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अड़िग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है, साई आंगन। इस नाम से यह जाना जाता है। देउर गांव गाड़ा, तालुका दौड़, जिला पुणे, यहां साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मिति करते हुए उन्होंने यहां निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल
जहां बच्चे पढ़े और जहां बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मय श्री गुरुवे नमः, इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से CBSE एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साईवाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मिति की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने saivanitrust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए saivanitrust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहां आए, ये बाबा की नगरी है। यहां बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।